Hello and welcome to all. In this particular video, we are going to discuss about a phenomena which happens in welding processes. So this video lecture is useful for the students who are doing their graduation in mechanical engineering, and also for someone who want some knowledge of the welding process. So let's start this video lecture. Okay, so that HAZ, which is known as the heat affected zone. So what is that HAZ? Let us define. It is your heat affected zone. So particularly this heat affected zone occurs or happens in the welding process, which use the melting to make the weld to happen. Right, because you know that you have lots of welding processes, like you have fusion welding processes, you have pressure welding processes. So this HAZ, the phenomena of heat affected zone, happens in the process which have fusion. Okay, so let's define this HAZ. The heat affected zone is a non-melted area, okay, of the metal that has undergone changes in the material properties as a result of being exposed to high temperature. Right, so when you are doing the welding, you are making your metal exposed to high temperature, and due to that high temperature, and that high temperature occurs at a very particular point when you are doing the weld, so due to that you have this occurrence of heat affected zone. Right, then whether these heat affected zone are desirable or whether these are undesirable, so this particular video is about it. ठीक है, so अगर हम बात करें कि heat affected zone से क्या होता है, so material की properties जो हैं वो बहुत ज़्यादा change हो जाती हैं. जहाँ पर भी आपका heat affected zone form होगा, वहाँ पर आपकी material की property different होंगी, base metal से भी और weld metal से भी. ठीक है, और जो हीट अफेक्टेड जोन का आपका एरिया है, दैट इज़ बिटवीन द वेल्ड मेटल एंड द योर बेस मेटल. सो अभी हम फिगर से देखेंगे कि हमारा ये एरिया कहाँ पर रहता है. ओके, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो साइज़ है हीट अफेक्ट जोन का, वो किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो वो जो साइज़ है और साइज़ के साथ साथ उसकी सीवियरिटी है, मतलब वो कितना सीवियर है, ये हमारा तीन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें एक है आपकी कि मटेरियल जिसका आप वेल्ड करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है, मेटल टू मेटल डिफर करती है. जैसे अगर आप कॉपर को ले लोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेगी, अगर आप एल्युमिनियम लोगे तो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेगी, उसी तरह से अगर आप स्टील लोगे सो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेगी. तो सबसे पहले डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर, देन आप जितना हीट जो वहाँ पर सप्लाई करने वाले हो उसकी कंसनट्रेशन और इंटेंसिटी क्या है, और हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी डिपेंड करती है एक प्रोसेस के ऊपर, कि जो वेल्डिंग प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो वो प्रोसेस कौन सा है, और देन उसके प्रोसेस पैरामीटर्स कौन से. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यही है कंक्लूजन में, कि वेल्डिंग प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है. ठीक है, अब ये है कि क्या ये हीट अफेक्टेड जोन सिर्फ वेल्डिंग में होता है, तो ऐसा नहीं है. जहाँ पर भी आप हाई टेम्परेचर प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार हम कटिंग प्रोसेस जो करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई हीट सप्लाई करते हैं, सो वहाँ पर भी आपके हीट अफेक्टेड जोन फॉर्म होते हैं. उसके बाद हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि हीट अफेक्टेड जोन जो हमारा होता है वो किस जगह पर होता है और किस एक्सटेंड का होता है. ठीक है, सो ये एक सिंपल वेल्ड है जिसमें हमने दो बेस प्लेट को जोड़ा है, ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है. ठीक है, इन दोनों को हमने रखा, लाइक ये इस तरह की प्लेट्स थी. ठीक है, और यहाँ पे हमने ये वेल्ड किया है. ओके, एंड दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन व्यू, इस तरह से आपका ये वेल्ड हुआ है. ठीक, सो ये आपका वेल्ड मेटल है. ठीक है, अब ये वेल्ड मेटल के बाद जब अगर आप इसको देखोगे, सो यहाँ पे आपको ये कुछ अलग अलग रीजन्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो इसमें जो लास्ट लाइन है, दिस लाइन, इस लाइन के बाद जो है इसको हम बोलते हैं अनअफेक्टेड बेस मेटल, यानी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है. जो बेस मेटल आपका वेल्डिंग से पहले आपने लिया था, इट इज़ मीन्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया. ये आपका वेल्ड मेटल हो गया, तो वो तो हमें पता ही है कि जो वेल्ड मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी बेस मेटल से तो पूरी तरह डिफर करती है. ओके,
अब ये एच इज जेड क्या है कि जो ये वेल्ड मेटल यहाँ पे इसकी फ्यूजन बाउंड्री है, ओके। सो इस वेल्ड मेटल और इस बेस मेटल के बीच में जो ये रीजन है, दिस रीजन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एच इज जेड या हीट अफेक्टेड जोन। चूँकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेल्ड मेटल से भी डिफर होती हैं और बेस मेटल से भी डिफर होती हैं, सो वी क्लासीफाई इट विद अनदर नेम एंड दैट इज़ हीट अफेक्टेड जोन। अब क्या है कि ये पूरा रीजन जो है इसकी प्रॉपर्टी भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको और माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करेंगे सो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी एक डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो हमने इसको भी फिर अलग अलग रीजन में कैटेगराइज किया है, तो इसमें चार रीजन है, एक ये है, ये तीसरा एंड लास्ट वन। तो सबसे पहला जो रीजन है जो दैट इज़ वेरी मच नियर टू द फ्यूजन बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं कोर्सेंट रीजन या कोर्सेंट एच ए जेड, या उसको हम कोर्स ग्रेन रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो ग्रेन्स होते हैं वो कुछ बड़े साइज़ के होते हैं। उसके बाद जो दूसरा रीजन है, सेकेंड वन, उसको हम बोलते हैं फाइन ग्रेन रीजन, क्योंकि वहाँ के ग्रेन्स कोर्स वाले से बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है इंटर क्रिटिकल एच ए जेड, और लास्ट वन आता है आपका सब क्रिटिकल एच ए जेड, और उसके बाद आपका बेस मेटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एच ए जेड है इन ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, और फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस मतलब जिसमें हमारा बहुत अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं और पूरा का पूरा वेल्डिंग हमारा फ्यूजन के कारण हो रहा है, ठीक है। बट ये जो एच ए जेड है इसका जो साइज है ना, और इसका जो मीन्स फॉर्मेशन का ये पैटर्न है, ठीक है, सो ये आपका वेरी करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अगर आप इसी की जगह कोई और वेल्डिंग प्रोसेस ले लेते हो लाइक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, सो इसका साइज डिफर करेगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफर करेंगी। वहीं अगर आप कोई एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस ले लेते हो लाइक लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस, सो वहाँ पे भी आपकी कंडीशन पूरी तरह चेंज हो जाएगी। वी विल डू इट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे जो पूरा चेंजेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू दिस हीट इनपुट, बिकॉज यू आर गिविंग दिस हीट अमाउंट ऑफ हीट इनपुट एट ए कंसनट्रेटेड रीजन, ठीक है। सो उसी के कारण आपका वेल्डिंग हो रहा है, बट उसी का बाई प्रोडक्ट है आपका एच इज जेड, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसका एच इज जेड किस तरह का होता है, ठीक है। तो वो हम इस वाले डायग्राम से थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। सो इस डायग्राम में जो ये आपको दिख रहा है, ओके, सो ये आपका बेस मेटल है, राइट। और इसमें जो ऊपर ये एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस इज़ योर वेल्ड मेटल, राइट। अब अगर हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा है ना, ये तो खैर हमने एक उसका पिक्चर ही लिया है जस्ट, तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी और एक दूसरी लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ओके। बहुत अच्छी विजिबिलिटी नहीं है बट फिर भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये दो थोड़े से आपको रीजन नज़र आ रहे हैं, राइट। सो इन्हीं रीजन्स में जो ये एरिया आपका बनता है, इस एरिया को हम कहते हैं वेल्ड मेटल, या इसको हम बोलते हैं फ्यूजन जोन, ठीक है। और जो दूसरा एरिया ये बनता है, ये जो एरिया बनता है, ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं एच ए जेड या फिर हीट अफेक्टेड जोन, राइट। अब सेकेंड हम बात करते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग करेंगे तब क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो डिफरेंस ये आएगा कि जो आपका एच ए जेड रीजन का साइज़ है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सो ये रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में आपको पता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो आप देते हो इन कंपैरिजन टू फ्यूजन वेल्डिंग बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन वेल्डिंग में आपकी हीट जनरेट होती है ड्यू टू आर्क, ए सस्टेनेबल आर्क, और यहाँ पे आपकी हीट जनरेट होती है ड्यू टू जूल हीटिंग आई स्क्वायर आर डी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है वो दैट इज़ मच लेसर अमाउंट देन योर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ओके। सो इसलिए यहाँ पे जो ये आपका फ्यूजन जोन है इसका, ठीक है, जो हमने रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग किया, दिस इज द फ्यूजन जोन, और इस फ्यूजन जोन के बाहर जो आपको ये हल्की हल्की बाउंड्री नज़र आ रही है, ठीक है, बोथ द साइड, दिस इज योर एच इज जेड रीजन, हीट अफेक्टेड जोन रीजन, एंड आफ्टर दिस दिस इज योर बेस मेटल, राइट। सो यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम मीन्स ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस टू ए रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। एंड लास्टली इफ़ यू टॉक अबाउट ए एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस, यू कैन टेक द एग्जाम्पल एज ए लेजर वेल्डिंग प्रोसेस। सो वट विल हैपन इफ यू डू द लेजर वेल्डिंग प्रोसेस टू द हीट अफेक्टेड जोन, ठीक है। जो भी आपके एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, कंसनट्रेटेड आपको हीट मिलती है,
कंसंट्रेटेड हीट मिलती है और हीट की इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस हाई इंटेंसिटी एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीट, जो आपका वेल्डिंग का जो ये फ्यूजन जोन है, ठीक है, इसका जो शेप हो जाता है वो बहुत डीपर हो जाता है और नैरो हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये इसका विड्थ देखोगे तो ये आपका फ्यूजन वेल्डिंग से बहुत कम हो जाएगा और जो इसकी पेनिट्रेशन है वो फ्यूजन वेल्डिंग से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत कम समय में, यानी एज़ कम्पेयर टू योर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ये उसका बहुत कम समय में ये वेल्डिंग प्रोसेस आपका वेल्ड कर देता है। सो उसके कारण क्या है कि एक्सपोजर टू द हीट जो है वो आपका टाइम यहाँ पे कम हो गया, और जब एक्सपोजर टू हीट वाला टाइम कम हो गया सो आपके जो एच ए जेड रीजन अब यहाँ पे जनरेट होगा वो विल बी, दैट विल बी ए नैरो वन, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज योर एच ए जेड रीजन, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड बाउंड्री। तो पहले वाला जो है ये रहेगा वैसे ही जैसे ये कोर्स है आपका और ये आपका फाइन है, बट यहाँ पे हमें बहुत नैरो रीजन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम समय में हमारा वेल्डिंग हो जा रहा है, एक्सपोजर टाइम आपका कम हो गया और पेनिट्रेशन बढ़ा है और उसका विड्थ कम हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं, मतलब ये एच ए जेड जो बन रहा है ये क्यों बनता है, ओके। सो फंडामेंटल रीज़न तो है आपका कि आप जो हीट दे रहे हो, ओके, सो उसके कारण बन रहा है। उसका जो एक्सटेंशन है एच ए जेड का वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पे डिपेंड करता है, और ड्यूरेशन कि कितने समय के लिए आप इस हीट को सप्लाई कर रहे हो। तीसरा डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या है, उसमें आपका बेस मेटल वेल्ड मेटल दोनों चीज़ें आएंगी। सो बेस मेटल किस मटेरियल का है और वेल्ड मेटल किस मटेरियल का है, इट विल डिपेंड ऑन दैट। देन मटेरियल इज एक्सपोज टू ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर हम किसी मटेरियल को ज़्यादा एनर्जी के लिए एक्सपोज करें फॉर ए लॉन्गर टाइम, देन योर एच ए जेड विल बी लार्जर, ठीक है। अगर हम कम समय के लिए इसको एक्सपोज करेंगे तो एच ए जेड विल बी ए नैरो वन, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ हीट आप कम करोगे तो भी आपका एच ए जेड का जो रीज़न है उसका साइज आपका कम होगा, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज, देन फ्यू मोर कॉजेज, ठीक है। तो एक तो आपका वेल्डिंग प्रोसेस भी आपका एच ए जेड का कैसे होगा, उसका शेप साइज कैसे होगा, सो उसको चेंज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो उसके साथ साथ कुछ वेल्डिंग पैरामीटर्स भी उसको कंट्रोल करेंगे, जैसे कि जो आपका वेल्डिंग की स्पीड है, ठीक है। वेल्डिंग स्पीड का मतलब ये है कि अगर आप इस प्लेट पे वेल्डिंग कर रहे हो, है ना, एंड दिस इज़ योर इलेक्ट्रोड, ओके, और इस पॉइंट से आपने वेल्डिंग करना स्टार्ट किया एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो ये जो आपका मूवमेंट की स्पीड है इस इलेक्ट्रोड को जो आप मूव कराओगे, सो इसकी स्पीड अगर आपकी कम होगी, ठीक है, अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा, एच ए जेड आपका बड़ा होगा, ठीक है। अगर स्पीड आपकी कम होगी इसके मूवमेंट की तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एट ए पॉइंट विल बी मोर, ठीक है। अगर ये स्पीड ज़्यादा कर लोगे आप इसकी, सो एच ओ जेड आपका यहाँ पे नैरो हो जाएगा, ओके। सो जहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, हीट का मतलब आप यहाँ से ले सकते हो कि अमाउंट ऑफ मटेरियल, मान लीजिए ये ग्रूव आपने बनाया, सो अगर ये ज़्यादा बड़ा ग्रूव है सो इसलिए ये मीन्स एडवाइस ये होता है कि आप इसको एक पास में फिल ना करें, है ना, आप इसको मल्टी पास की तरह फिल करें, मतलब पहले इतना पास से फिल कर दें फर्स्ट पास से, देन ये इधर ले लें, देन इधर ले लें, और लास्ट में ये ले लें, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टी पास में करेंगे सो उसमें क्या होगा कि आप एक साथ सारी हीट नहीं दे रहे, है ना, तो उसके कारण दैट एक्सपोजर टू मीन्स लार्जर अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर लॉन्गर टाइम, तो उसके कारण आपका एच ए जेड बढ़ सकता था, सो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका कि ज्योमेट्री, है ना, कि जो आप ये मीन्स ज्योमेट्री का मीनिंग यहाँ पे है कि जो वेल डिज़ाइन है वो कैसा है आपका, ओके। जैसे आप मान लीजिए फिलेट, आपने वेल्ड का नाम सुना होगा, तो अगर आप फिलेट वेल्ड बनाने जा रहे हो सो आपको पता है वो एक फिलेट वेल्ड की शेप होती है जिसमें दो प्लेट्स को हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के और वेल्ड करते हैं, ठीक है। सो अगर आप फिलेट वेल्डिंग बनाने जा रहे हो, ओके, दिस इज योर फिलेट वेल्ड, ठीक है। सो इस फिलेट वेल्डिंग में यूजुअली वेल्डिंग यहाँ पे किया जाता है इस जगह पे,
है ना। सो अगर कोई इस तरफ वेल्डिंग कर दे, यहाँ पे कर दे, है ना, सो उसके कारण क्या होगा कि जो आपका सिंक, हीट सिंक बनेंगे, है ना, वो स्मॉल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हीट सिंक बड़ा बन रहा है क्योंकि हीट आपकी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ठीक है, तो हीट कंडक्शन आपका तेज़ी से हो जाएगा, सो दैट विल लीड्स टू फास्टर कूलिंग। तो अगर ये जल्दी कूल हो जा रहा है, सो इट मीन्स आपका एच इज़ेड नैरो बनेगा। ठीक है, सो ये आपके कॉजेज हैं फॉर दिस एच इज़ेड रीज़न, और उसकी हम उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन द इफ़ेक्ट्स ऑफ एच इज़ेड, ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदायक हैं। ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया कि इससे एच इज़ेड से क्या होता है कि माइक्रोस्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है एच इज़ेड रीजन की टू द बेस मेटल। ठीक है, अब ये इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, सो ये इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो यूजुअली अनडिज़ायरेबल होते हैं। ठीक है, दीज आर यूजुअली अनडिज़ायरेबल। वाई दीज आर अनडिज़ायरेबल, क्योंकि क्या करते हैं, जो एच इज़ेड रीजन है उसकी एक तो स्ट्रेंथ ये लो कर देते हैं, दूसरा ससेप्टिबिलिटी टू क्रैकिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, देन कोरोजन रेसिस्टेंस को कम कर देते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे कोरोजन तेज़ी से हो सकता है पर्टिकुलरली एच इज़ेड रीजन में, देन उसकी टफनेस को कम कर देते हैं। ओके, अब अगर इतनी सारी चीज़ें उसमें भी कर रहे हैं, सो चांसेस ऑफ फेल्योर ऑफ दैट रीजन विल बी मोर। यानी कि जो आपका वेल्ड एरिया है वो मान लीजिए वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ का है, बेस मेटल तो आपने पहले चूज़ किया था वो ठीक ठाक है, बट ये जो एच इज एड रीजन बीच में है ना, यहाँ से आपका वेल्ड फेल हो सकता है क्योंकि यहाँ से आपके कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो गया, टफनेस कम हो गई, एंड देन उसकी ससेप्टिबिलिटी टू क्रैकिंग बढ़ गई और स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई। सो इफ़ यू अप्लाई दिस वेल्डिंग टू एनी मीन्स फैटिक कंडीशन, सो इट विल फेल। ओके, अब जब ये अनडिज़ायरेबल है तो हमें तो इसको रिड्यूस करना है। ओके, मिनिमम द बेटर, सो हाउ डू रिड्यूस इट। ओके, सो रिड्यूस करने का कुछ मेथड है, लेट्स सी इट, है ना। अब हम इसको रिड्यूस ही कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया जा सकता अगर हम किसी भी एक मीन्स फ्यूजन वेल्डिंग की बात करें जिसमें हम हीट सप्लाई दे रहे हैं अच्छा खासा, सो वहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पर क्रैक हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, एम्ब्रिटलमेंट हो जाता है, ठीक है, और कुछ और चीज़ हो जाती है, इसके कारण आपका वेल्डिंग फेल हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस करने का क्या तरीका है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय डूइंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आफ्टर द वेल्डिंग। ठीक है, मीन्स पहले हम वेल्डिंग कर लें उसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करें। अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी आपको पता है बहुत सारे हैं। ओके, सो उनमें से हमें कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, सो दैट विल डिपेंड अगेन ऑन द मटेरियल, ऑन द प्रॉपर्टीज़। ओके, और आप कितना, जो आपकी एच एज एड रीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको कितना चेंज करना चाहते हो, इट विल डिपेंड अपॉन दैट। सो उस पर डिपेंड करते हुए आप प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कर सकते हो, जो यूजुअली हम कर सकते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग या सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हो आप, एंड अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द मटीरियल। ठीक है, बट ऐसा करना क्या है, कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उससे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आपने वेल्डिंग कर लिया उसके बाद एच इज एड जनरेट हुए, देन यू आर ट्राइंग टू रिमूव दैम। ओके, सो इट इज़ ए मीन्स टाइम कंज्यूमिंग एंड ए कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, एंड इट इज़ अगेंस्ट द टागुची मेथड। ठीक है, जैसे टागुची मेथड जो है वो उनका एम्फेसिस रहता है कि आप जो भी आप क्वालिटी देना चाहते हो तो वो उस समय दो जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उस समय आप अपनी कॉस्ट बढ़ाओ फॉर द क्वालिटी, तब नहीं कि जब आपने प्रोडक्ट बना लिया है ना, और उसमें आप किसी डिफेक्ट्स को एलिमिनेट कर रहे हो। सो टागुची का कहना था कि उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको उससे कम 10 गुना कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने 10 गुना नहीं बोला था, मैं जस्ट बोल रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि मतलब उससे आपको मल्टीपल टाइम्स कॉस्ट देनी पड़ेगी, सो दैट इज़ ए लॉस टू द सोसाइटी। ठीक है, बट हमें और टागुची की तरफ नहीं जाना, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। सो हीट ट्रीटमेंट क्या है कि एक तो कॉस्टली है और एक टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सो इसको करना इतना मतलब ईजी टास्क नहीं है, स्पेशली आफ्टर डूइंग द वेल्ड, वेल्डिंग का साइज़ क्या है ना। अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा वेल्डिंग कर दिया है, सो उसका हीट ट्रीटमेंट करना इज़ बेसिकली ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, एंड अगेन इट विल डिपेंड कि आप कितना बड़ा फर्नेस यूज़ करने जा रहे हो, जो आपने वेल्डिंग टॉर्च लिया था उसका क्या साइज़ था, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, सो ये कुछ मेथड्स हैं, मतलब बेसिकली हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट में बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम एच इज़ एड को रिड्यूस करते हैं। बट अगर हम कंक्लूड करें,
है ना. सो इस पर्टिकुलरली अबाउट दिस फिनोमिना ऑफ हीट अफेक्टेड जोन. ओके, सो सबसे जो हमारे लिए मतलब सुटेबल है वो ये है कि हम जो वेल्डिंग प्रोसेस का सिलेक्शन है, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से करें. सो अगर हम सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, और ये चीज़ कटिंग प्रोसेस के लिए भी वैलिड है, राइट. सो हम सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस और कटिंग प्रोसेस को जितना सही सेलेक्ट करेंगे उतना हमारे जो हीट अफेक्टेड जोन है दैट विल बी मिनिमाइज्ड, ठीक है. और इसके साथ साथ मतलब प्रोसेस को सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने कोई प्रोसेस सेलेक्ट किया, सो उसके प्रोसेस पैरामीटर्स, ठीक है, एंड टेक्निक, राइट. सो ये सब चीज़ें भी आप बहुत ही प्रिसाइसली सेलेक्ट करें, ठीक है. आफ्टर डूइंग मीन्स द इटरेशंस यू फाइंड सम पर्टिकुलर प्रोसेस एंड द पैरामीटर्स एंड देन यू फाइनलाइज दैट प्रोसेस एंड पैरामीटर्स एंड द टेक्निक, ठीक है. सो उससे आपके ये HZ जो क्रिएट हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस हीट अफेक्टेड जोन एंड दीज आर फ्यू रेफरेंसेज आई हैव यूज टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इन द एंड आई विल से दैट अगर आपके लिए लगता है कि आपको सुटेबल है ये टॉपिक तो आप इसको ज़रूर देखें, और जिनके लिए ज़रूरी है देखना उनको फॉरवर्ड करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें. थैंक यू एवरीवन.